इफ़ यू आर रियली वॉन्ट टू बिकम एन सोशल मीडिया मैनेजर देन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। विदाउट इसको समझे हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू योर सेल्फ कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकता हूँ। सो हाई गाइज, माई नेम इज़ रोहित, सोशल मीडिया मार्केटर टर्न टू कॉन्टेंट क्रिएटर एंड नाउ आई एम ए डिजिटल कोच। सो इस वीडियो में आपको बताने वालों की एक सोशल मीडिया मैनेजर आप कैसे बन सकते हो और एक सोशल मीडिया मैनेजर आके करता क्या। आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वालों की कैसे आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, और ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सारे मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। पिछले 2 सालों से मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, एज ए फ्रीलांसर भी मैंने करा हुआ है, एज ए जॉब भी मैंने करा हुआ है। तो आपको जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलने वाला है, मतलब आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाला है इसे। और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आप एक कैसे सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। सो अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, पहले से भी कर रहा था, अब ज़्यादा लॉकडाउन के बाद तो खैर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। तो हर एक ब्रांड, हर एक बिज़नेस सोशल मीडिया पर आना चाहता है, कोई प्रोफेशनल हो तो हर एक बंदा मतलब सोशल मीडिया पर आना चाहता है। अब कोई बिज़नेस है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से सब कुछ मैनेज करे, तो वो क्या करते हैं, हायर करते हैं कोई फ्रीलांसर को या फिर किसी एजेंसी को जो कि उनके लिए कई काम कर सके, सो पूरा सोशल मीडिया का काम कर सके कोई फ्रीलांसर या फिर कोई एजेंसी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया मैनेजर आखिर करता क्या। तो सोशल मीडिया मैनेजर के बहुत तरह तरह के रोल होते हैं, अलग अलग तरह के रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांसिंग में कर रहे हो तो आपका अलग रोल हो सकता है, अगर आप किसी जॉब में कर रहे हो तो वहाँ पर आपका अलग रोल हो सकता है। फिर भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आखिर एक सोशल मीडिया मैनेजर करता क्या। तो सोशल मीडिया मैनेजर के ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला मेन अगर मैं आपको काम बताऊं तो उनके सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना, उनको पोस्ट शेड्यूल करना, स्ट्रैटेजी बनाना, कंटेंट कैलेंडर बनाना, कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक सोशल मीडिया मैनेजर करता, जो भी आपको पूरा कंटेंट प्रिपेयर करना कि क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस तरीके से करें, किस तरीके ग्रोथ प्लान होता है सोशल मीडिया का। तो ये बहुत तरह तरह के काम करने पड़ते हैं सोशल मीडिया मैनेजर को। तो ये तो एक सोशल मीडिया मैनेजर करता क्या, अगर मैं आपको चाहूँ तो इस पर डिफरेंट वीडियोज़ बना सकता, जो मैंने आपको बताया ना इस पर मैं डिफरेंट तरह के वीडियोस बना सकता हूँ हर एक टॉपिक पे, बट फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में मैंने बता दिया। हो सकता है मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूँ जिसमें आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करूँ, बट इस वीडियो को टॉपिक है कि कैसे आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। मैं आपको बेसिकली 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ सोशल मीडिया मैनेजर बनने के, और तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सोशल मीडिया मैनेजर बनने के, बट फिर मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ जो कि मेरे एग्जांपल, मेरे एक्सपीरियंस क्या था कि 3 स्टेप्स आपको अगर आ गया तो डेफिनेटली, ऑल तो 3 स्टेप्स के अंदर भी काफ़ी सारे स्टेप्स आ जाएंगे, बट मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ 3 स्टेप अगर आपने सीख लिया ना तो डेफिनेटली आप एक सोशल मीडिया मैनेजर ज़रूर बन जाओगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले स्टेप की। जो पहला स्टेप है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया। बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया का मतलब क्या है कि जितने भी तरह के सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल इट कुड बी योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जितने भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से वो पूरा सोशल मीडिया काम करता है। पहला तो ये कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, दूसरा कि सोशल मीडिया के अंदर आपको कैसे काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत तरह तरह के नैरो डाउन्स वाले स्टेप्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशल मीडिया नॉलेज में आपको इंस्टाग्राम का पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम किस तरीके से काम करता है, कैसे उसको पोस्ट बनाया जाता है, कैसे आपको कैप्शन लिखना है, कैसे आपको हैशटैग रिसर्च करना, कौन कौन से टूल होते हैं, किससे उसके मैट्रिक्स चेक कर सकते हो, कैसे एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो, क्या काम कर रहा है, किस तरीके से आपको कॉन्टेंट डिज़ाइन होता है, किस तरीके से आप कॉन्टेंट डिज़ाइन कर सकते हो, कौन कौन से कॉन्टेंट चलते हैं, किस किस तरह के कॉन्टेंट आप पोस्ट कर सकते हो, ये सब कुछ बेसिक ऑफ सोशल मीडिया में आता है। और भी बहुत चीज़ें इसके अंदर, बट मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक ऑफ सोशल मीडिया इसके अंदर मतलब ये सब कुछ आता है। अगर आपको बेसिक पता है ना कि किस तरीके से सारा सोशल मीडिया काम करता है, क्या कैसे सोशल मीडिया काम करता है, उसके बाद आप कैसे काम कर सकते हो, तो आपको पूरा बेसिक नॉलेज चाहिए सोशल मीडिया का, जो भी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबका आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्या पहला स्टेप, जिसको कि अगर आपको नॉलेज है बहुत सारे सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक का नॉलेज है कि इस तरीके से पोस्टिंग होती है, कैप्शन लिखा जाता है, हैशटैग रिसर्च करा जाता है, हैशटैग के क्या रोल प्ले होते हैं, क्या रोल होते हैं, आपको अगर सब कुछ पता है तो आप एक स्टेप को पार कर चुके हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो। देन सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा मानना है चीज़, वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब आपको लग रहा है कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, वेल इसका एक मैं आपको सिंपल सा आंसर बताऊँ ना कि मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो ना, तो उस ब्रांड का मान लो आपको जो भी क्रिएट करना है आपको पता कैसे लगे उसके लिए करना क्या है,
राइट। तो उसके लिए कॉम्पिटिटर की मार्केट में और कौन से लोग हैं जो कि उसके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वैसा ही काम कौन कर रहा है, उनको आप देखोगे, एनालिसिस करोगे वो किस तरीके से कर रहे थे, उसके बाद आप उनके लिए उस तरीके से काम कर सकते हो। तो आपको कॉम्पिटिटर का पता होना चाहिए, कैसे एनालिसिस करा जाता है, ये एक बहुत तगड़ा टॉपिक कह सकते हो इसको, काफ़ी अंदर घुसना पड़ता है, किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है क्या मैं इसको बना सकता हूँ, क्या पता उसको जो भी जिसके मैनेज कर उनको पसंद आए। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक अलग चीज़ है, बट आपको ये चीज़ आना चाहिए किस तरीके से कॉम्पिटिटर एनालिसिस करा जाता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप। आप तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप लास्ट है मेरी तरफ से, बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत सारे स्टेप्स एक सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए, बट थर्ड स्टेप आता है वो है पोस्ट मेकिंग, मतलब पोस्ट डिज़ाइन करना आना चाहिए आपको, किस तरीके से कॉन्टेंट डिज़ाइन होता है। अब देखो, डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हो, ग्राफिक डिज़ाइनर एक अलग चीज़ है, कॉन्टेंट डिज़ाइन करना एक अलग चीज़ है। तो वहाँ पर आपको कॉन्टेंट डिज़ाइन करना आना चाहिए, किस तरीके से आप एक मैसेज दे रहे हो, मतलब कि कोई भी ग्राफिक होता है उसके अंदर आप कैसे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो वो आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूरी है इसके लिए आप फोटोशॉप से कर सकते हो या फिर कैनवा से भी कर सकते हो, कैनवा से बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी कैनवा से करना शुरू किया है। तो आप कैनवा से कर सकते हो, फोटोशॉप से कर सकते हो, बहुत सारे टूल आते हैं उनसे कर सकते हो आप। तो आपको पोस्ट डिज़ाइन करना आना चाहिए। अब अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के साइजेस होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए होते हैं, उनमें भी काफ़ी सारे तरीके, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कवर बनाना आना चाहिए आपको, लोगो भी बनाना आना चाहिए, मैटर करता है ये सारी चीज़ें, स्टार्टिंग एज ए बिगिनर आप काम करो तो ये सारी चीज़ें जो है काम आती हैं। तो कवर तो खैर सबका आपको बनाना पड़ेगा, लोगो भी हो सकता है बनाना पड़े आपको, बट लोगो डिज़ाइनर, लोगो तो खैर डिज़ाइनर का काम हो गया, कवर वगैरह भी आपको बनाना आना चाहिए आपको, सोशल मीडिया का सब कुछ, तो जो भी साइजेस का भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, आपको साइजेस का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पोस्ट डिज़ाइन ज़रूरी है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये तीनों स्टेप्स आ गए, तीनों स्टेप्स आपको आता है, तो डेफिनेटली यू विल बिकम ए सोशल मीडिया मैनेजर। सो ये थे वो तीन स्टेप, आई होप आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ये तीन स्टेप्स को फॉलो करते हो, जो कि मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है, तीन स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, इन तीन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। सो आपको इन तीन स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है बस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, पसंद आया होगा वीडियो, सो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना। इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मैं प्लेलिस्ट बनाने का सोच रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करते हो डेफिनेटली मैं बना दूंगा, ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित बिले।